तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम सभी को गेम्स खेलना बहुत ही पसंद होता है और प्रोजेक्ट में बहुत सारे पॉपुलर गेम्स पूरी दुनिया भरों में कहका मचा रहे हैं। लेकिन इस गेम्स को खेलते समय हमें ये पता नहीं होता कि इस गेम्स में कितनी लोगों की मेहनत लगी होती है। तो इस सवाल को जानने के लिए बस हमें एक मूवी देखनी होगी और उस फिल्म का नाम है फ्री गाय। चलिए आज हम बात करेंगे फ्री गाय मूवीज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्री गाय एक एक्शन फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जिसे रिलीज किया गया है 13 अगस्त 2021 को और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सॉम लेवी ने, जहां इस फिल्म को IMDb रेटिंग मिली है 7.4 ऑफ द 10। अब हम बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट के बारे में। तो इस फिल्म में हमें लियान रेनाल्डोस, जोरी कोमर, ताकिया वाइटिटी और जो कीरी नजर आते हैं। चलिए जानते हैं अब इस फिल्म के कहानी के बारे में। कहानी शुरुआत होती है गाय नाम के एक नौजवान बंदे से जो इस सिटी में रहता है और एक अच्छे बैंक में नौकरी भी करता है, यानी इसका लाइफ सेट है। लेकिन इसकी जिंदगी में एक चीज की कमी होती है, प्यार की। प्यार के लिए ये बंदा कुछ भी कर सकता है। फ्री सिटी आम सिटी की तरह बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पर गोली बंदूक लूटपाट होती रहती है और ये सब कौन करता है? होगल्स वाले बंदे। आप सभी को लग रहा हो कि भाई ऐसा कौन सा शहर है दुनिया में जहाँ पर कानून के हाथ इतने छोटे पड़ गए हैं। तो भाई मैं समझाता हूँ, असल में फ्री सिटी एक गेम है और इसी गेम के अंदर गाय एक NPC के रूप में रहता है। NPC का मतलब नॉन प्लेयर कैरेक्टर। और एक दिन क्या होता कि गाय को उसकी अपने सपनों की रानी मिल जाती है। वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज को सिद्धा से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। और गाय को प्यार भी होता तो किससे? गोगल्स वाली बंदी से, यानी NPC को प्यार हुआ नॉन प्लेयर रियल प्लेयर से। तो और इसके बाद क्या होता कि उस लड़की से मिलते ही गाय इंसानों की तरह सोचने समझने लग जाता है और एक NPC से रियल प्लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब गेम में NPC रियल प्लेयर बन जाए तो धमाल मचेगा ही। बाकी की कहानी मैं आपको बता नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि सुनने से ज्यादा मजा देखने में आता है। तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। और बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आए हो चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।